फ्रेंड्स, माय नेम इज विभू पांडे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल लर्न विद विभू पांडे। आज हम आपको संज्ञा के विषय में बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बंदर वृक्ष पर बैठा है तो बंदर हमारा संज्ञा है। गाय दूध देती है तो गाय हमारी संज्ञा है। संज्ञा के तीन मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों द्वारा किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु विशेष का बोध होता है उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राधा राधा नाच रही है तो राधा हमारी एक ही है। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखी गई तो हमारे तुलसीदास सिर्फ एक ही थे तो उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिनेंगे। ताजमहल हमारा स्थान में आ जाता है, ताजमहल सिर्फ एक है तो इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों द्वारा किसी प्राणी वस्तु आदि के पूरे संपूर्ण जाति का बोध होता है उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पक्षी पक्षी, छात्र, नेता, पुस्तक, तो ये लोग हमारे जातिवाचक संज्ञा में है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिसमें भाव प्रकट किया जाता है। जैसे कि बचपना बहुत ही अच्छी चीज है, बचपना हमारा एक भाव है तो हम इसको भाववाचक संज्ञा में गिनेंगे। वह आदमी उस आदमी को बुढ़ापा आ गया है इसलिए वह नहीं चल पाता, बुढ़ापा हमारा एक भाववाचक संज्ञा है तो हम उसको भाववाचक संज्ञा में गिनेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।